सरफेस फ्लोज इन ओशन। अभी तक पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब हम पढ़ेंगे ओशन सर्कुलेशन। तो टू बिगिन विद लेट मी टेल यू दैट द ओशन सर्कुलेशन, ओके, आप लोगों को ये क्वेश्चन किसी न किसी समय पर हर बार पूछा जाएगा अबाउट डिफरेंट ओशन करेंट्स, अबाउट द डीप सर्कुलेशन, अबाउट द सर्फेस सर्कुलेशन। सो द ओशन सर्कुलेशन इज ऑफ टू टाइप्स, ओशन सर्कुलेशन इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है सरफेस सर्कुलेशन और दूसरा है डीप सर्कुलेशन। जब भी हम बात करते हैं सरफेस सर्कुलेशन एंड डीप सर्कुलेशन, सो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच कॉज दीज। जो सरफेस और डीप सर्कुलेशन है दोनों के ऑपरेट होने का जो फैक्टर्स है वो सेम नहीं है, अलग अलग। और फैक्टर्स क्या क्या है? सरफेस सर्कुलेशन है, नाम से आप समझ रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट दीज आर द सरफेस फ्लोज। ये ओशन के सरफेस पे चलने वाली करंट्स हैं, या ये ओशन के सरफेस पे जो वाटर इधर से उधर मूव होता है तो ये वो है। और डीप सर्कुलेशन क्या है? डीप सर्कुलेशन इज दैट सर्कुलेशन व्हिच गोज टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन एंड ऑपरेट्स देयर। आज हम सिर्फ सर्फेस फ्लोज पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में डीप ओशन सर्कुलेशन। तो व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स, क्योंकि क्या है वाटर ओशन, ओशन वाटर इज इन सर्कुलेशन, लेकिन ऐसा क्यों है कि सरफेस फ्लो और डीप फ्लो के जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं। अब तक हम लोगों ने ओशन वाटर प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिससे हम लोगों ने टेम्परेचर देखा, सैलिनिटी देखी, देन वी स्टडीड अबाउट हाउ द ओशंस दे कंट्रोल द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी कैसे वो हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा हाउ द कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट्स द विंड पैटर्न। तो इतनी चीजों का बैकग्राउंड दिमाग में रखिएगा। इमेजिन दैट वी हैव अ बॉक्स फुल ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसे पानी भरा होगा। इफ यू ब्लो एयर, अगर आप यहां पे जोर से फूंक मारेंगे तो क्या होगा? इफ यू ब्लो एयर फ्रॉम हियर, दिस इज एयर, हवा आपने यहां मारी, देन व्हाट विल हैपन? वेव मतलब नहीं, मतलब यहां का जो वाटर है वो यहां मूव करता है, आया ना? बट हाउ डीप इज दैट? जो हवा का इंपैक्ट है, द एयर विच इज इंपैक्टिंग द वाटर, वो कितना डीप, ठीक है, हो सकता है वो आपने जोर से हवा फूकी उसमें या जोर से फैन चलाया तो यहां का वाटर मूव किया, लेकिन जैसा इंपैक्ट सरफेस पे है विल द इंपैक्ट बी सेम एट दिस डेप्थ? डेफिनेटली नॉट। विल द इंपैक्ट बी सिमिलर एट दिस डेप्थ? नो। लेट अस से दिस इज द हाफ ऑफ दिस कर्व, ये हाफ, ठीक है, हो सकता है कि यहां वाला वाटर मूव ही ना करे। It means that with depth the impact of wind decreases. ये सबको समझ में आ रहा है कि अगर आपने एक पानी के बकेट में जोर से हवा मारी तो पूरा का पूरा पानी मूव नहीं कर सकता, only till some depth and that too progressively it decreases, जो हवा का impact है। Similarly in an ocean basin when winds strike, अब जैसे हम लोगों ने उस दिन देखा था जो विंड बेल्ट्स, अगर इसका एक क्विक डायग्राम मैं बना विंड बेल्ट्स का, इक्वेटर है, दिस इज 30, दिस इज 60, दिस इज 90, तो ये ट्रेड विंड्स हैं, है ना, ये वेस्टर्नलीज हैं और फिर ये पोलर ईस्टर्नलीज है, राइट, उसी तरीके से सबके पे भी होगा। So we have the trade winds, then we have the westerlies, and then we have the polar storms. See, इसको मैं इसका axis बता दूँ। अब आप मुझे बताइए कि equator पे जो जो ocean है, ठीक है, वो ocean का water किस तरफ move करेगा?
which direction? I know, easily think of which direction? Westward, right? Then, the westerly zone is, is where ocean water will move which side? Eastward. And then the, again the polar easterly zone water will move? So, one thing is coming to mind that the direction in which the wind is going, it will drag the water in that direction. Over the moon. Is it or not? So, acha, which water will be that? The deep water or surface water? So, for the surface flows, the most important causative factor is wind. So, हमें ocean के surface पे जो currents मिलती हैं, they are wind driven. Yes or no? कोई confusion अभी तक? क्यों ऐसा हुआ? Because winds they have strength to carry the surface water, to drag the surface water. Is it okay? समझ में आया? अच्छा, what is the name of this wind? Polar easterly या easterly बोल सकते हैं? उस दिन जैसा मैंने आपको बताया था that trade winds are also easterly winds. These are westerly winds. So हमने उनको नाम क्यों दिया? Easterly, westerly. Okay, very good. That जब भी हम बोलेंगे easterly wind, मतलब wind is generated in the east and going towards west. देखिए ocean currents में ठीक उल्टा है. ठीक उल्टा है. क्या है? That so easterly अगर wind है, इसका मतलब है going from east towards west. ठीक? तो ये water को किस direction में लेकर के जाएगी? West की तरफ ले जाएगी ना? If this is east, this is west. Wind is going this side, so the water will also be dragged towards west. तो ये जो ocean current शुरू हुआ, this ocean current which has started, ये किस direction से शुरू हुआ? किस direction? Which direction it has started? East, going towards west. The name of such a current will be westerly current. Thermohaline circulation. So thermohaline circulation से आप क्या समझते हैं? Can you break this word into two? Thermohaline. Okay. Heat. So the deep ocean circulation is caused by a balance between heat and salt material. जो deep circulation, वो water temperature और water salinity के ऊपर depend करता है. इसीलिए इसको thermohaline circulation बोलते हैं. So deep ocean circulation is caused by the heat and salt content of the water. ये हम लोग detail में बात करेंगे. First let us concentrate on the surface ocean currents. Okay? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब let us focus on this map and then see how the different currents they are generated. And in the meanwhile, I'll keep on getting you several interesting facts and figures. और आपको थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा इसमें जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ. Alright. This is the ocean current map of the world. ठीक है? Of course इसमें latitudes नहीं दिए हैं, but आप approximately latitudes समझ सकते हैं, right? जैसे अगर इसमें मुझे latitude देना होगा तो ये वाला जो ocean इधर, यहाँ से. This is the equator. Approximately यही है equator. This is the three or
विंड्स बना लेता हूं. सो दीज विल बी द कौन सी विंड्स है ये ट्रेड विंड्स. देयर आफ्टर दीज विल बी द वेस्टर्लीज. ओके एंड देन दीज विल बी दी पोलर ईस्टर्लीज. Approximately यही है. Now, let us concentrate in this portion. इधर. In this portion we can see. इसको थोड़ा shape कर दीजिए. ताकि आपको confusion ना हो. इधर नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट साउथ इक्वेटोरियल करेंट
दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. North Equatorial, South Equatorial, ठीक है? So we have found out two water masses. दो water mass हमें मिला. कौन कौन सा? North Equatorial current. Actual side में देखेंगे. If you will focus yourself on the eastern side of the continent, eastern side मतलब ये वाला side. You can see. Water क्यों? क्योंकि इक्वेटर से वॉर्म वाटर ही तो आ रहा है. द
The trade winds are bringing warm water only towards west side. किसी को doubt है अभी तक तो please ask your question. Clear हुआ? Okay. So when this water is coming towards the western side, it starts to pile up. It makes a pool. जैसे Pacific में इसको बोलते हैं West Pacific Warm Pool. इसको बोलेंगे यहां पर West Atlantic Pool, West Indian Ocean Pool. ऐसे नाम दे सकते हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि why these pools are formed? तो आपको इसका जवाब यही देना है कि since the direction of the rotation of Earth is west to east and due to the impact of trade winds, this water is being brought towards the western side. Western side of what? Ocean. तो इसीलिए eastern side पे pool नहीं बनता. Pool कहाँ बनता है? और ये सभी oceans में होता है क्योंकि in all the oceans the western side of ocean is being blocked by the continents. यहां तक सबको समझ में आया? आगे चलें. Imagine that I am pumping in water. लगातार मैं पानी फेंक रहा हूं. पानी धीरे-धीरे पाइल अप होता चला गया, इकट्ठा होता चला गया. After some time a threshold will come. मतलब ऐसा तो नहीं कि पानी हमेशा वहां जमा होता चला जाएगा. It will keep on piling, but after some time that pool will collapse. हुआ कि नहीं होगा? आपने जोर से पाइप में दीवार पर पानी जमा होने का थोड़ी देर के बाद वो बहना शुरू कर देगा. It will start to move. So once the threshold is reached, अब गर्म पानी का पूल है, वार्म वाटर पूल है. ये पूल कोलैप्स होगा. जब भी ये पूल कोलैप्स होगा तो क्या होगा? When this pool will collapse, a very fast moving warm water will, current will go towards the poles. इधर का मैं छोटे छोटे बता देता हूं क्योंकि ये पैसिफिक का ईस्टर्न साइड है. सो हमने ये देखा कि आफ्टर सम टाइम टिल द लैंड मास कॉन्फ़िगरेशन इज देयर द करंट विल फॉलो इट. बट जहां पर वो खत्म हो जाता है वहां पर वॉटर स्टार्ट्स टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये जो करंट निकली ये ओशन के किस साइड में जा रही है? सेंटर वेस्टर्न साइड से. आपको क्लियर हो रहा है या नहीं कि ये जो करंट्स निकल रही हैं और ये करंट्स का सोर्स क्या था? वार्म पूल. ठीक. तो ये जो करंट का सोर्स था दैट पूल, वहां से करंट्स निकली. तो ये ओशन के किस साइड में ये फिनोमेनन हो रहा है? वेस्टर्न साइड में. तो क्या इसको हम वेस्टर्न बाउंड्री करंट कह सकते हैं? क्योंकि इट इज हैपनिंग ऑन दी वेस्टर्न साइड ऑफ दी ओशन. और वो भी वेस्टर्न साइड मतलब वेस्टर्न बाउंड्री. समझ में आया सुभा जी? क्या समझ में आया? इसको वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स क्यों बोलते हैं? नहीं, वेस्टर्न बाउंड्री करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओशन के वेस्टर्न साइड में दिस फिनोमेनन इज हैपनिंग ऑन द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द ओशन. तो इसको हमने क्या नाम दिया? वेस्टर्न बाउंड्री करंट. अब आप मुझे एक चीज बताओ, वेस्टर्न बाउंड्री करंट का नेचर कैसा है? नेचर मतलब
ठंडा है, गर्म है, वार्म है, कोल्ड है, क्या है? वार्म है। क्यों वार्म है? क्योंकि एक वार्म पूल से अगर एक बाल्टी में गर्म पानी है, मैं आपको उसको फेंक दूं, तो आपको ठंडा तो नहीं लगेगा, आपको गर्म ही लगेगा ना, क्योंकि द बकेट हैड वार्म वाटर। सो वार्म पूल से निकली हुई करंट हमेशा वार्म होगी, ये सब लोग एग्री करते हैं। अब देखिए, कैन वी मेक अ स्टेटमेंट दैट, बहुत ध्यान से सुनिए, ऑल वेस्टर्न बाउंड्री करेंट्स आर वार्म करेंट्स, ऑल वेस्टर्न बाउंड्री करेंट्स आर वार्म करेंट्स, कह सकते हैं? कि जितनी भी वेस्टर्न बाउंड्री करेंट्स हैं वो वार्म करेंट है, सही या गलत? सही है। किसी को कोई डाउट? क्या प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? वेस्टर्न बाउंड्री करंट किसे बोला? वेस्टर्न बाउंड्री करंट हमने किस करंट को बोला जो कि ओशन के वेस्टर्न बाउंड्री पे चल रहा है? उस करंट का ओरिजिन क्या है? वार्म पूल है। तो उस वार्म पूल से निकलने वाला करंट वार्म होगा कि कोल्ड होगा? वार्म होगा। तो वेस्टर्न बाउंड्री करंट इज वार्म करंट, सही है कि गलत है? क्यों सही है? क्योंकि वार्म पूल ओशन के वेस्टर्न साइड में बनता है। सो दिस कम्स टू अ जनरल स्टेटमेंट दैट द वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स आर वेस्टर्ली करंट के नाम वेस्टर्ली करंट अभी मत बोलो, अभी हम सिर्फ वेस्टर्ली, वेस्टर्ली करंट जो है ये भी है, बीच में कहीं की जगह पे मिलेगी आपको वेस्टर्ली करंट, क्योंकि वेस्टर्ली करंट इज टिपिकल ऑफ द डायरेक्शन वेयर इट इज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, लेकिन अभी हम सिर्फ वेस्टर्न बाउंड्री करंट की बात कर रहे हैं। देखिए वेस्टर्ली करंट ये है कि तो वॉल है ही क्योंकि तो इक्वेटर पे चलती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न बाउंड्री करंट, मतलब ओशन की जो वेस्टर्न बाउंड्री है वहां पर जो करंट जाती है उसे। इज इट क्लियर टिल नाउ? कोई कंफ्यूजन? सो वी मेक अ जनरल स्टेटमेंट दैट द वेस्टर्न बाउंड्री करंट WBC दे आर वार्म करंट। कैन यू एक्सप्लेन इट नाउ? यस। अब क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन व्हाई The western boundary currents are warm currents. तो आपको उसमें बोलना होगा, western boundary currents are those currents which run on the western side of the ocean. It is that area where warm pool is formed by the piling up of equatorial currents. ठीक? And since the western boundary currents originate from the collapsing of those pools, therefore western boundary currents are. तो अगर हमें एक चीज मिल गई कि ये western boundary current है, मतलब eastern boundary current भी कुछ होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो let us name these currents first, उसके बाद देखते हैं आगे। So the ocean currents which were running from east towards west on the equatorial latitude, उसको हमने नाम दिया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो हमें दो करंट्स मिल गए, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब ये जो रीजन है, ये वाला नॉर्थ अमेरिकन, ये कौन सा एरिया है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। दिस इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ ऑफ मेक्सिको से निकलने वाली करंट को नाम दिया गया गल्फ स्ट्रीम। नाम सुना? हैव यू हर्ड दिस नेम गल्फ स्ट्रीम? गल्फ स्ट्रीम का ओरिजिन कहां है? गल्फ ऑफ मेक्सिको से। और वो कहां से शुरू होती है? वेस्ट अटलांटिक वार्म पूल से। सो गल्फ स्ट्रीम ये लेट अस नेम दिस एज GS, Gulf Stream.
ठीक है या नहीं? ये कौन सी कंट्री है इधर? ब्राजील। इस करंट का नाम है ब्राजील करंट, ठीक है। ब्राजील करंट तो आप मुझे बताइए गल्फ स्ट्रीम किस ओशन में? नॉर्थ अटलांटिक। ब्राजील करंट इधर आते हैं इंडियन ओशन की तरफ। ये जो रीजन है, दिस रीजन, इट इज द रीजन ऑफ एगुलास रिज। एगुलास रिज, देयरफॉर द वॉर करंट गोइंग थ्रू दिस एगुलास रिज इज कॉल्ड एज एगुलास करंट, ए सी। तो ये जो आप देख रहे हैं, लेट मी नेम द करंट्स विद देयर ओशंस, तभी आप लोगों को याद रहेगा ना। सो नाउ वी सी द डिफरेंट वॉर करंट इन द थ्री ओशंस, एंड रिमेंबर अदर देन द इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल करंट के अलावा 1, 2, 3, 4, 5 we have 5 western boundary, 5 western boundary currents. Is it okay? Clear hai sabko? So ab ye dekh sakte hain that in all the oceans there are western boundary currents and they are warm currents. Clear? Aage chale. Is it clear or there is any confusion? Now, ये जो latitude आप देख रहे हो, this one, इस latitude में ये कौन सी winds की जो है? Winds, westerly, very good. What westerly will do? Westerlies will push another extension of Gulf Stream, S. ये जो latitude है, ये कौन सी winds हैं? Westerly winds. ये westerly wind इस current को और north की तरफ ले जाएगी या नहीं ले जाएगी? छोटा सा एक्सटेंशन बनता है गल्फ स्ट्रीम, इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक करंट। क्या नाम है? नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है। तो यहां से गल्फ स्ट्रीम निकली, यहां तक गई, इसको इधर पुश किया, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट हो गई। नॉर्थ अटलांटिक करंट कम्स एंड हिट्स दी वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट और ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द ओशियंस। अब दिस इज हाई लैटिट्यूड, यहां पर टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। इट मीन्स दैट द वॉटर्स विच आर हियर दे विल बी कूलर, ठंडा हुआ पानी यहां पर कि नहीं होगा, क्योंकि ये हाई लैटिट्यूड है, मतलब टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट सब पोलर रीजन्स। नाउ याद करिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर वॉटर इज बीइंग ड्रैग्ड हियर तो उस जगह को भरने के लिए देयर शुड सम वॉटर कमिंग बैक, तो दैट वॉटर विच कम्स बैक इज दिस वॉटर विच इज इन फॉर्म ऑफ अ कोल्ड करंट। यानी कि वॉटर इधर आया, ऐसे गया, ऐसे गया, जगह खाली हुई, ये वॉटर हटा के उसको भरने के लिए यहां से वॉटर आएगा कि नहीं आएगा? टू रिप्लेस दिस। सो दिस करंट विच कम्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, विच कम्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, इट विल बी एसेंशियली अ कोल्ड करंट और नॉट। और ये करंट ओशन के किस बाउंड्री पे है? ईस्टर्न बाउंड्री पे है। इसका मतलब ये है दैट इट विल बी अ कोल्ड करंट। सो अगर मैं ये कहूं
वेस्टर्न बाउंड्री करेंट्स वार्म करेंट्स, ईस्टर्न बाउंड्री करेंट्स कोल्ड करेंट्स। तो अब इस करंट का क्या नाम है, ये जो करंट आई इधर इसका व्हाट इज द नेम ऑफ दिस करंट। हैव यू हर्ड अबाउट द कैनरी बर्ड, कैनरी येलो कलर, आपको पहले केमिस्ट्री में सुना होगा दिस वर्ड कैनरी येलो। और कैनरी आइलैंड्स में वहां पर एक सिंगिंग बर्ड मिलती है येलो कलर की, कैनरी बर्ड। सो द कैनरी आइलैंड्स आर हियर, दिस करंट इज कॉल्ड एज द कैनरी कैनरी करंट। सो इन अटलांटिक ओशन दीज टू दे आर द वेस्टर्न बाउंड्री करंट एंड द ईस्टर्न बाउंड्री करंट। हियर वन वी हैव गॉट इज कैनरी करंट। सो कैनरी करंट रन इन विच ओशन, नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो कोल्ड वाटर, क्योंकि यहां पर ये ठंडा पानी है ना, कि बहुत हाई एटीट्यूड है, तो करंट में क्या मूव होता है, वाटर ही मूव होता है। अगर कोल्ड वाटर मूव होगा तो कोल्ड करंट मिल जाएगी, वार्म वाटर मूव होगा तो वार्म करंट मिल जाएगी। तो जब ठंडा पानी यहां से यहां की तरफ आ रहा है तो ये कैसा पानी होगा, ठंडा पानी होगा ना, मतलब कोल्ड करंट मिल जाएगी। तो इसका नाम कैनरी क्यों दिया गया, क्योंकि ये कैनरी आइलैंड्स के पास से आती है, इसका नाम है कैनरी। अच्छा एक चीज और बताइए, यहां पर कौन सा कॉन्टिनेंट है ना, यस अंटार्कटिका। वी ऑल नो दैट देयर इज अ कोल्ड करंट विच इज इनसर्कलिंग अंटार्कटिका, मालूम है कि नहीं, देयर इज अ कोल्ड। अब एक बार मैंने आपको बताया था जब हाउ द अंटार्कटिक लैंडमास डेवलप आइस शीट, भूल गया, डिड यू नो दैट पोलर बैंड ने पढ़ा है, पोलर बैंड में या जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है उसमें दैट कॉन्टिनेंट्स वर फर्स्ट जो ज्वाइन टुगेदर देन दे ब्रोक अपार्ट एंड मूव्ड अवे। इन द प्रोसेस वंस साउथ अमेरिका was joined to Antarctica. You remember I in the first class I told you about these straits? There was this rifting and it broke open this passage. This passage ka kya naam hai? It is called as the Drake Passage. Drake Passage. Yes. Break passage. Now, which time the Antarctic landmass started moving towards south? It started moving towards north. South America went and collided with North America. Isthmus of Panama ban gaya. But Antarctica, jab Antarctica separate hua, to Drake passage khul gaya. So it allowed the water to pass through, ऐसे करके क्यों ऐसा हुआ सोचिए, पहले क्या था, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़े हुए थे तो ये वॉटर की तरफ नहीं जा सकता है कि नहीं, बट जब ये खुल गया when it opened then the water started in circulate so that अंटार्कटिका बिकेम, जो ये वाटर था इट स्टार्टेड टू इनसर्किल अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका चारों तरफ से पानी से घिर गया। शुरू में यू नो दैट द गोंडवाना पोल्स आर आल्सो फाउंड इन अंटार्कटिका, क्यों ऐसा होता, बिकॉज अंटार्कटिका वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। लेकिन जब अंटार्कटिका मूव होना शुरू हुआ इसका मतलब ये कि इफ यू remove the ice cover of Antarctica, you will find huge coal deposits. Because, wo coal deposit kab ke hain? When Antarctica was in the tropical latitudes. Theek hai? Ab hua kya? Antarctica along with this current started moving south towards the pole. Slowly, ab aap socho ki Antarctica pehle yahan tha, around 20 degrees
प्योर साउथ आया 30 डिग्री 40 डिग्री 50 60 70 80 एंड देन 90 जब तक यहां था तब तक तो वार्म कॉन्टिनेंट था जैसे जैसे साउथ आने लगा इट स्टार्टेड बिकमिंग अ कोल्ड कॉन्टिनेंट यस और नो यस तो दिस करंट दिस वाटर मास जो कि इसको पूरा पूरा इसके चारों तरफ घूम रही थी इट बिकेम अ कोल्ड करंट और नॉट हाँ या ना अमरेश क्लियर है वो करंट जो कि आज भी अंटार्कटिका के चारों तरफ घूमती है ऐसा ये नहीं घूमता तो भी वो भी कूल होगा हाँ ये नहीं घूमता तो भी वो कूल होगा बिल्कुल होता बिल्कुल कूल होता क्योंकि इट वाज अंटार्कटिका विच वाज कमिंग साउथ ये ये करंट यहां थोड़ी आए वो तो वहीं पे है न्यू वाटर मास स्टार्टेड इन सर्कलिंग न्यू वाटर मास तो यहां जो वाटर था इट वाज वॉर प्रोग्रेसिवली इट बिकेम कोल्ड है ना तो ये जो करंट अंटार्कटिका को चारों तरफ से घूम इसके चारों तरफ घूम रही है इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट सर्कमपोलर क्यों बिकॉज इट इज सर्कम नेविगेटिंग दी पोल समझ में आया क्योंकि अंटार्कटिका इज द लास्ट पॉइंट ऑन दिस अर्थ इन दिस वेस्टर्न हेमिस्फीयर और वो एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है तो पानी से चारों तरफ घूमेगा कि नहीं घूमेगा घूमेगा ना इसीलिए उसको बोलते हैं सर्कम पोलर सर्कम मतलब गोइंग इन सर्कुलर मोशन और पोल है तो सर्कम पोलर क्योंकि इट इज सर्कम नेविगेटिंग द अंटार्कटिक लैंड मास इसीलिए उसका क्या नाम है अंटार्कटिक सर्कम पोलर तो इसका नाम दे देता हूं अंटार्कटिक सर्कम पोलर अब ये करंट तीनों ओशियंस में जाती है सच इट्स अ वेरी बिग करंट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन वेस्ट टू व्हाई बिकॉज अर्थ स्पिन्स ठीक है एंड देन दिस इज द लैटिट्यूड ऑफ द वेस्टर्नलीज इसको हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं सो देयर इज एन अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये क्लियर होगा सो इन द सदर अटलांटिक अभी नदर अटलांटिक हमने क्या देखा कि हमें गल्फ स्ट्रीम थी नॉर्थ अटलांटिक करंट था कैनारी करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट सदर हेमिस्फीयर में देखिए सदर अटलांटिक में साउथ इक्वेटोरियल करंट उससे निकली हुई वेस्टर्न बाउंड्री करंट इज द ब्राजील करंट गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट इज द अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है कि नहीं तो द वॉटर विच इज बीइंग डिस्प्लेस्ड जो पानी यहां से यहां की तरफ जा रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए यहां से वॉटर आएगा कि नहीं आएगा इस करंट का ये कोल्ड करंट होगी कि वार्म करंट होगी ईस्टर्न साइड ऑफ ओशन पे है ईस्टर्न बाउंड्री करंट होगी और इस करंट का सोर्स क्या है कोल्ड वाटर तो कोल्ड करंट होगी इस करंट का क्या नाम है यहां पर एक रीजन है उसे कहते हैं बेंगुला रीजन बेंगुला ठीक है सो दिस करंट इज कॉल्ड एज बेंगुला करंट BENGULA CURRENT बेंगुला करंट सो इन द सदर्न अटलांटिक ओशन देयर आर दिस इज द बेंगुला करंट सो इन अटलांटिक ओशन देयर आर टू वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स गल्फ स्ट्रीम इन द नॉर्थ अटलांटिक ब्राजील करंट इन द साउथ अटलांटिक देयर आर टू ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स केनारी करंट इन नॉर्थ अटलांटिक एंड बेंगुला करंट इन साउथ अटलांटिक क्लियर है तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई नॉर्थ अटलांटिक में कौन कौन सी करंट्स मूव करती है क्या क्या कितनी करंट है चार कौन कौन सी उल्टा क्यों चल रहे हो नॉर्थ इक्वेटोरियल
Even North Atlantic current is also a warm current. Canary current is a cold current. South Atlantic में South Equatorial current and Brazil currents are warm currents. Antarctic circumpolar current and Venezuela current they are cold currents. याद हो गया? Is it clear? अब चलते हैं Indian Ocean की तरफ. हमने देखा था कि Indian Ocean में already हमें दो current मिल चुकी थी, South Equatorial current and Agulhas current. Yes or no? Yes. फिर तीसरी करंट कौन सी है? अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है कि नहीं? तो टू कवर अप फॉर द साउथ इक्वेटोरियल करंट वाटर शुड बी डिस्प्लेस हियर. ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा साइड है? वेस्टर्न साइड. सो अनदर कोल्ड करंट कम्स ओवर हियर, इसका नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन. तो इंडियन ओशन में हमें मिली एगुलास करंट, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट एंड देन वी गेट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. ठीक है, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म करंट है कि कोल्ड करंट? कोल्ड करंट है. क्यों? क्योंकि ये कोल्ड वाटर्स लेकर के आती है. तो हमें सदर इंडियन ओशन में या इंडियन ओशन में कितनी करंट मिली? कौन कौन सी? साउथ इक्वेटोरियल करंट, एगुलास करंट, अंटार्कटिक पैसिफिक ओशन की तरफ. तो नॉर्थ पैसिफिक में हमें दो करंट्स मिल चुकी थी. कौन कौन सी? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड क्यूरोशियो करंट. अब मान लीजिए लेट अस ड्रॉ इट. This is the North Equatorial Current and this is the Kuroshio Current. ठीक है? This Kuroshio Current is being dragged over here. इसको हम कह सकते हैं North Pacific Current. ठीक है? और ये North Pacific Current अब वापस भी आएगी ना? Bringing warm water or cold water? Cold water. Cold water. ये कौन सा district है US का? ये वाला. California state. So, this cold current which comes over here, इसका नाम है California current. क्यों California? क्योंकि ये United States के eastern side में है, where there is the California state. So, Pacific Ocean में हमें मिली North Pacific current, एक तो वो है, and then we got the कैलिफोर्निया करंट. सो कैलिफोर्निया करंट इज ईस्टर्न बाउंड्री करंट और वेस्टर्न बाउंड्री करंट. ईस्टर्न बाउंड्री करंट. तो ये वॉर्म करंट होगी कि कोल्ड करंट? कोल्ड करंट. अब आते हैं साउथ पैसिफिक की तरफ. साउथ पैसिफिक में हमें मिली थी कौन सी करंट? साउथ इक्वेटोरियल करंट, देन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. अच्छा, मैं आपकी चीज यहां क्लियर कर दूं. डोंट गेट कंफ्यूज. पूछा जाएगा आपसे एक क्वेश्चन, Which of the following currents is warm current? East Australian current or West Australian current? बताइए. West Australian current गलत हो गए. West Australian current is a cold current. क्योंकि जब मैं कहता हूँ East Australian, मतलब ये ocean के western side में है. मतलब ये western boundary current है. It is a western boundary current. Western boundary current warm होती है कि cold? और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज ऑन दी ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडियन ओशन. याद रखिए, डू नॉट गेट कंफ्यूज. ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पैसिफिक ओशन में चलती है और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इंडियन ओशन में चलती है. क्लियर है? क्लियर हुआ? डोंट गेट कंफ्यूज विद द नेम, बिकॉज ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज ऑन दी ईस्टर्न साइड ऑफ
पेरू करें, पेरू करें, पेरू करें को हम्बोल्ट करें भी कहते हैं, हम्बोल्ट करें, so we get आप पेरू करें नाम याद रखिए, but हम्बोल्ट करें भी बोल देते हैं, so अक्सर ये एग्जाम में आता है, which of the following current is also called as Humboldt current, so it is the पेरू करें, okay? तो in the South Pacific how many currents we saw? Four currents: South Equatorial Current, East Australian Current, Antarctic Circumpolar Current and पेरू करें और Humboldt current. ठीक है? किसी को अभी तक कोई confusion? See this map. What is the concept of ocean gyres? And each ocean
आप उसको बोलना चाहिए. सो इफ यू लुक एट दिस मैप इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन वी कैन सी दैट देयर आर फोर करेंट्स. नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक करेंट एंड कैनारी करेंट. दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ अटलांटिक करंट. नॉर्थ अटलांटिक करंट. सो सिमिलरली देयर मस्ट बी अ साउथ अटलांटिक करंट ऑल्सो. बताइए क्या क्या है करंट्स. Let us now
phenomena happening in this ocean time. बाकी बातें थोड़ी देर बाद. Let us focus on any one. आप ही choose करो. Which Gaia you want to focus upon? North Atlantic Gaia. ठीक है. बाकी क्या है? Encountered downwelling. Coriolis effect.
मुझे बताइए, when I was teaching you about the ocean water stratification, जब आपको बता रहा मैंने आपसे क्या बताया था कि जब आपने मिक्स्ड लेयर को हटा दिया तो थर्मोक्लाइन का पानी ऊपर आता है, this water is cold and rich in nutrients, तो प्रोडक्टिविटी कहां ज्यादा होगी, सेंटर में या मार्जिन्स में या पेरिफेरी होगी ना? किसको समझ में नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से इस करंट का जो वाटर है वो डिफ्लेक्ट होकर के सेंटर में आ गया, सो स्पेस इज क्रिएटेड ऑन दी पेरिफेरी, सो थर्मोक्लाइन कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर कम्स अप, सो गायर पेरिफेरियल ओशन गायर मार्जिन पे हमेशा प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू दी सेंटर ऑफ दी। यस और नो? इज इट ओके? और ये फिनोमिनल हर ओशन गायर में होगा। आप साउथ एक सदर ओशन अटलांटिक गायर देख लेते हैं, सो व्हेन वी कम टू दी सदर हेमिस्फीयर कोरियोलिस इफेक्ट कैसा हो जाता है? लेफ्ट साइड। सो लेट अस टॉक अबाउट दी साउथ इक्वेटोरियल करंट, देन दी ब्राजील करंट, देन दी अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट एंड द बंगाल करंट। ओके, सो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, कोरियोलिस इफेक्ट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो वाटर विल कम ओवर हियर ऐसा। ब्राजील करंट लेफ्ट साइड ऐसा, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट लेफ्ट साइड ऐसा, और बंगाल करंट। अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें भी वही फिनोमिनल हो रहा है जो यहां हो रहा है। सो अगेन वेयर विल द प्रोडक्टिविटी बी हाई, सेंटर और पेरिफेरी? सो इररिस्पेक्टिव ऑफ हेमिस्फीयर, चाहे वो किसी भी हेमिस्फीयर में ऑपरेट कर रहा हो, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है इट विल बी हायर। और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? हाई फॉनल एंड फ्लोरल असेंबलेजेस, मतलब फाइटोप्लैंकटन जूप्लैंकटन बहुत ज्यादा होगा कहां? पेरिफेरी पे, क्योंकि अपवेलिंग हो रही है, हाई न्यूट्रिएंट कंडीशन है, और यहां पर गायर सेंटर में क्या हो रहा है? डाउनवेलिंग हो रही है, सो लेस न्यूट्रिएंट्स। इज इट क्लियर? यस सर। ऑल दैट ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट। एग्जैक्टली, यू कैन योरसेल्फ सी। इंडियन ओशन की बात करो, ये देखो कौन कौन सी करेंट्स है, साउथ इक्वेटोरियल करेंट, तो क्योंकि साउथ सदर हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड, अगला करेंट लेफ्ट, एसीसी लेफ्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट लेफ्ट, इससे गायर। सो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, डिस्कस व्हाई दी गायर ओशन गायर पेरिफेरी शो हाई प्रोडक्टिविटी, नाउ कैन यू एक्सप्लेन? दिस इज द रीजन। इंटरेस्टिंगली जस्ट पे अटेंशन टू दिस एरिया, टू दैट मैप। Let us look at first the Pacific Ocean. In the eastern boundary area of Pacific, North Pacific कौन सी करंट है? California करंट, और South में Peru करंट, ठीक है? इसके नाम याद रखिएगा। What is the direction of California current? Which direction? North to south? Yeah, from poles towards equator. What is the direction of this Peru current? Towards the आप मुझे बताओ, इफ दिस कैलिफोर्निया करंट इज गोइंग दिस वे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, डिफ्लेक्शन किधर होगा? राइट या लेफ्ट? सो इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द कोस्ट और अवे फ्रॉम द कोस्ट। अवे फ्रॉम द कोस्ट होगा ना दिस वे। व्हाट अबाउट दिस पेरु करंट? इट विल बी टुवर्ड्स द कोस्ट, अवे फ्रॉम द कोस्ट। व्हाई अवे फ्रॉम द कोस्ट? वेरी गुड, सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट हैंड साइड। आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ ओशन पे ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स कोस्टल एरियाज खाली हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा? अपवेलिंग होगा कि नहीं होगा? सो दिस रीजन इनकाउंटर्स अपवेलिंग। यस और नो? फिर से बताता हूं, जो कोल्ड करेंट्स है दे गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड डिफ्लेक्शन, सदर्न हेमिस्फीयर में
left side deflection. So this deflection will be causing the water to move away from the coast. Yes or no? Yes, yes, sir. So coast ke paas upwelling hogi ki nahi? This type of upwelling is called as coastal upwelling. This type of upwelling is called as clear ho raha hai ki nahi? Acha kidhar aa jayenge? Atlantic Ocean ke dekhiye. Look at the Kerali current. Kerali current kis hemisphere mein hai? Deflection right hoga ki left? Right. Hoga na? So fir se deflection ka kis taraf hoga? So coastal area ka upwelling hogi ki nahi? Aur jab hum baat karte hain idhar Benguela current ki southern hemisphere mein hai. Deflection left over की right, मतलब away from the coast, तो जो ये coastal area में upwelling होगा कि नहीं, होगा ना? Let us talk about Indian Ocean. West Australian current, this single eastern boundary current, कहाँ से जा रही है? Pole से equator की तरफ. Deflection left over की right होगा, left होगा, तो इधर में upwelling होगा कि नहीं? Did you understand that the eastern boundary regions of oceans? Dhyan se suniye. Oceans ka jo eastern boundary hota hai, due to the cold current and Coriolis force, they are regions of high productivity. Kyon? Kyunki Coriolis force causes coastal upwelling. वेस्टर्न साइड में आप खुद ही देखो, वेस्टर्न साइड में जब आप देख रहे हो एक ये वार्म करंट है, यानी इट इज फ्लोटिंग ओवर द वाटर, और अगर ये जब डिफ्लेक्ट करेगा तो अवे फ्रॉम द कोस्ट करेगा, बट हियर द मिक्स्ड लेयर्स आर क्वाइट वेल डेवलप्ड. वहां पर भी वर्टिकल मिक्सिंग थोड़ा बहुत अपवेलिंग होगा, बट नॉट एज कंपेयर्ड. देखो ये है कि जितने भी गायर्स हैं, आप देखो सभी गायर्स को मैंने भी क्या बताया, अपवेलिंग होगा, बट जितना ज्यादा इधर होगा ईस्टर्न बाउंड्री पे उतना वेस्टर्न बाउंड्री पे नहीं होगा. क्यों? दैट कोल्ड वाटर इज फर्टाइल. ठीक है ना? एक तो ये चीज. अभी जब हम लोग अपवेलिंग डिस्कस करेंगे तो और बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन याद रखिए that coastal upwelling is not only here, और भी कई जगह पे अलग अलग तरीके से होती है. Now, so what did we see? We saw that the eastern boundary conditions they are more fertile as compared to the western boundary conditions. ठीक? When I was telling about the atmospheric circulation, किसी ने मुझसे सवाल पूछा था about deserts, deserts and grassland. अब आप मुझे बताओ. वेस्टर्न साइड रिमेंबर द कोरल रीफ, कोरल रीफ ग्रासलैंड्स, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स, नॉट वेस्टर्न साइड. क्यों? सीधा करेंट्स. सो वॉर्म करेंट्स दे नॉट ओनली ब्रिंग वॉर्म वाटर बट दे ऑल्सो मॉडिफाई द क्लाइमेट. कैसे? जहां पर वॉर्म वाटर जाएगा इवेपोरेशन ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा. जब रेनफॉल ज्यादा होगा तो ग्रासलैंड्स, जहां पर कोल्ड वाटर जाएगा वहां पर क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, रेनफॉल कम होगी. डेजर्ट्स, वेल चेक इन द मैप. मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स, दे आर फेड बाय द कोल्ड करंट. राजस्थान, राजस्थान किस लैटिट्यूड पे है वो भी याद रखो ना. कोल्ड एंड ड्राई विंड सिंकिंग. रिमेंबर ओशन एंड एटमॉस्फेयर ये अलग अलग नहीं चल सकते, दे हैव टू बी टुगेदर टू ड्राइव द ग्लोबल क्लाइमेट. ओके, एंड डेजर्ट है या फॉरेस्ट है इट विल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ओनली. है कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई कंफ्यूजन अभी तक?
कंटिनेंट में ओशनिक प्रकृति ज्यादा कॉन्टिनेंट में डेजर्ट होगा क्योंकि वहां पर बारिश नहीं हो रही. अच्छा याद रखिए इज अ वैलिड क्वेश्चन. आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्टिविटी आई एम टॉकिंग अबाउट द ओशन प्रोडक्टिविटी नॉट द कॉन्टिनेंट. ठीक है ओशन वाटर प्रोडक्टिविटी. Now can you explain how the surface currents are generated, how the ocean gyres are formed? Any confusion till now? Yes. Continent ke western margin pe productivity zyada hai. Kis pe? Continent ke western margin pe. Ha ha. Theek hai. Kya? Western mein kahan? Sir, matlab productivity zyada hai. So, organic compound jaise ki CS content. CaCl3 is not an organic compound. Yes, sir. Mining fossils. Don't confuse between CaCl3 and organic compound. See, microorganisms, they are spread all across the ocean. Pure ocean mein hote hain. Lekin jidhar productivity zyada ho, udhar wo zyada ho. Uska preservation, calcium carbonate ka preservation western side of ocean pe zyada ho. Kyunki wahan par temperature warm hai. If you remember, there was sedimentary class. I had told you that for the precipitation of limestone, warm waters are required. Why? Because when water garam hoga, to CO2 escape kar jayega. Water ka acidity kam ho jayega. So, ek cheez hum ye bhi keh sakte hain. If we compare the relative acidity of eastern side than western side, then western sides are lesser acidic than eastern sides. Yes or no? Because of the cold waters. ये सब बातें समझ में लॉजिक समझ में आ रहा है ना. इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करना इजी हो जाता है. ओके सो सिंस दिस इज अ वेरी लार्ज टॉपिक और आज टाइम लग गया आपको प्रैक्टिकल भी करना सो वी स्टॉप टुडे फॉर दिस इन द सेकेंड हाफ. सो इन कंटिन्यूएशन दिस इज द मॉर्निंग क्लास. मैं आप लोगों को थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाना चाहता हूँ. This is a website earth.dullschool.net. Okay. इसमें आपको हर दिन का wind direction, cyclone. This is the winter season. तो इस दौरान we have the northeast monsoon winds. देखिए ये इसमें थोड़ा zoom करता हूँ. So what is the control plus. Can you see this wind direction? The northeast monsoon winds. आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग मॉनसून की बात करते हैं तो we talk specifically about the Indian monsoon and East Asian. Let us look only on the Atlantic ocean. देखिए यहाँ पर winds का क्या हाल चाल है. ट्रेड विंड्स देखिए ये क्या है गल्फ हिस्ट्री में विंड की बात करो विंड गल्फ हिस्ट्री विंड है वेस्टर्न ब्रीज पोलर ईस्टर्न ब्रीज. दिस इज अटलांटिक ओशन सिनेरियो. ओके लेट अस लुक एट द पैसिफिक ओशन. ठीक है देखिए ट्रेड विंड्स westerlies, polar system. Diagram में हम जितना सीधा बनाते हैं उतना सीधा होता नहीं. These are winds, right? So they will not be going straight. Rather they will be criss-crossing, they will be turning, है ना? ये website पर आप regular visit कर सकते हो. जैसे आज उड़ीसा में cyclone कभी आया तो वो दिखता है. अब जैसे आपको when the other day I was telling you about the different wind belts. You remember I had told you the zone of convergence of wind and zone of divergence of wind. याद है? तो trade winds जहाँ converge होती है उसे क्या बोलते हैं? Intertropical convergence zone. वो इसे ढूंढना होगा. If you have to search for IPCZ, वो कैसे ढूंढेंगे? आपको मैं दिखा रहा हूँ. Let us change its view to this. This is a better view. We can see all the oceans together. Okay? Now. Let us search for the IPCZ. तो इसके जो विंड का मूवमेंट है इसको मैं रोक देता हूँ.
अब आप मुझे बताओ, कैन यू फाइंड द आईटी सीजन समवेयर? अगर अभी विंड चल रही होती तो कुड यू फाइंड? मैं विंड को स्टार्ट करता हूं. या द विंड एनिमेशन हैज स्टार्टेड. अब आप बताइए, दिस इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है ना, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये विंड्स, ये देखिए, कैन यू सी दिस लाइन वेयर दे आर कन्वर्जिंग? ये देखिए, देख रहे? So, during winters, the ITCZ it migrates south. ठीक है? Over the Atlantic Ocean, can you see? ये देखिए, ये winds. अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए. As these winds cross the northern hemisphere into the southern hemisphere, what is the direction of reflection? ये जो विंड्स ऐसे चल रही है, एक बार अंदर गई तो कैसे घूम रही है? ऐसे जा रही है या ऐसे आ रही है? आर दे टर्निंग लेफ्ट और राइट? दिख रहा है ना, तो कोरिओलिस इफेक्ट का यहां पर एप्लीकेशन. सो दिस इज द जोन, ये ऐसा देख रहे हैं, दिस व्हेन यू हैव ये वाला जोन एंड सी ये, कैन यू सी दिस? ये जोन देख रहे हैं जहां पर ये विंड कन्वर्ज हो रही है, दिस इज द आईटीसी, the zone of convergence. Agar if we wish to overlay the ocean currents on this, so if this wind is going this way, so this will be which current? Equatorial current, north equatorial current, south equatorial current, south equatorial current, then north equatorial current and south equatorial current. Hoga na aisa? Kyun? Because we can see the wind direction. Let us now convert this map to the ocean map to see how the ocean currents they move. And let us over first see the currents and then I will overlay the temperature. ये देखिए, look at the movement. ये कौन सी current है? ये north equatorial current है कि नहीं? ये कौन सा ओशन है? स्पेसिफिक ओशन है. ये करंट जो है, इफ आई ओवरले द सी सरफेस टेम्परेचर ओवर हियर, सी व्हाट विल हैपन. यू कैन सी दैट एट लोअर लैटिट्यूड्स द टेम्परेचर्स आर हाईएस्ट, स्लोली डिक्रीजिंग टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स. तो सी सरफेस टेम्परेचर है वो लो लैटिट्यूड पे ज्यादा है, उधर कम है. ओके, सो अगर हम करंट्स को देखें तो ये कैसी दिखेगी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द इक्वेटोरियल करंट. ओके, जो ये वेस्टर्न पोर्शन है ओशन का, इधर इधर और ये पूरा इधर, ऑल दीज करंट्स दे गो एंड दे पाइल अप वाटर ओवर हियर. हमने जो सुबह बात की, राइट? फिर एक ही करंट निकलती हुई दिख रही है, ये दिस वन. Which current is that? Erosion current है ना? Let us change the projection and let us zoom it. Can you see this? This current is bringing the warm waters from low latitude to the higher latitudes. This is the Kuroshio current in the northern passage. मूवमेंट हो रहा है क्या? मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट मूवमेंट हाँ मूवमेंट हो रहा है. तो ये करंट ऐसा चलेगा तो करंट में वाटर तो मूव करेगा ना. तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग, कैन यू सी दिस? ओके, एक चीज थोड़ा सा फोकस ऑन दिस. आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, जस्ट फोकस ऑन दिस मैप. नाउ लेट अस कम टू द अटलांटिक ओशन. व्हिच करंट इज दिस? गल्फ स्ट्रीम. यू कैन सी दिस इज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कमिंग ओवर हियर, पाइलिंग अप ऑफ वाटर फ्रॉम द गल्फ ऑफ मेक्सिको.
Mexico. The Gulf Stream is going over here. This is the North Equatorial Current, North Atlantic Current. Then we get the Atlantic Current and it moves this way. So this is one ocean Gaia. If I again change the direction and let us check for cold water current, ye kidhar aa rahi hai, cold water
heaviest, they pose friction, they cause friction to this wall current, which is lighter. So what happens is, जैसे अभी मान लीजिए कि ये गल्फ स्ट्रीम ऐसे जा रही है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ? The cold water here does not allow the Gulf Stream to flow stream in a streamline direction. So what will happen? So this Gulf Stream will start to meander. ऐसा जैसे हम लोगों ने देखा है ना कि when the river it meanders, जब river का meander बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? A loop is formed, right? So when this, let's take the case of Gulf Stream, this is a very classic example. We can see here that while it does meandering, some of the loop it makes, उसके center में आता है cold water, है ना? और फिर कुछ जगह पर कोल्ड वाटर में चला जाता है वार्म वाटर. सो ड्यूरिंग द, जैसे दिस इज द वार्म वाटर एरिया एंड दिस इज द कोल्ड वाटर एरिया. सो इन दिस लूप कौन सा वाटर है यहां पर? कोल्ड वाटर है. यहां पर कौन सा वाटर है? वार्म वाटर. सो व्हेन दिस मीएंडर वांट्स टू स्ट्रेटन इटसेल्फ, जब ये मेंडर अपने आप को सीधा करने की कोशिश करेगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? अब जैसे मान लीजिए ये सीधा हो गया है. नाउ सो हियर दिस वाज वार्मर वाटर, था ना ये? दिस करंट वाज वार्म वाटर, सेंटर में क्या था? कोल्ड वाटर. सो वी विल हैव एन एडी वेयर यू विल गेट द warm water surrounded by cold water, and यहाँ पर क्या था? Cold water surrounded by warm. कैसा ऐसे हुआ? क्योंकि while this current is moving, this cold water temperature it is encircled by the warm water. और जहां पर बहुत cold water, जहां पर warm water current जा रहा है, वहां पर it is being encircled by cold water. As a result they become loop and they detach from the main current. Sir, वो तो हो गया, मतलब cold water, warm water, cold water, हाँ, cold water surrounded by warm water. हाँ, cold water surrounded by warm water and warm water surrounded by cold water. वो कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ये cold water regime है, ठीक है? ये current ऐसा ऐसा करके जा रही है. तो जब ये move करेगी तो ये वार्म वाटर करंट है. ये जो वाटर है जिसको घेर लेना चाहता है, वो कोल्ड वाटर होगा कि नहीं, है ना? तो दिस एडी और वर्लपूल जिसे आप कहते हैं, दिस वर्ल्स इफ दे हैव इन द सेंटर कोल्ड वाटर, ध्यान से सुनिए कि ये जो एडी, इसको एडी बोलते हैं, ई डबल डी वाई कैपिटल इज एडीज. So when these eddies they have cold water in the center, तो इसे कहा जाता है cold eddies. Sir, eddies are temporary. Eddies are temporary. Eddies are temporary. Yes, they keep on forming and then they keep on getting distributed. फिर वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन गल्फ स्ट्रीम की मेंडरिंग होगी तो eddies बनेगा. किसी भी करंट की वैन में कोई एडीज बनेगा, ठीक है? सो कोल्ड कोर एडी इज दैट एडी इन विच देयर इज इन द सेंटर कोल्ड वाटर एंड इन द पेरिफेरी वार्म वाटर. इसी के से बोलते हैं कोल्ड कोर. कोर मतलब सेंटर, इन द कोर कोल्ड वाटर, कोल्ड कोर एडी. एंड इफ इन द सेंटर देयर इज वार्म वाटर इट इज कॉल्ड एज importance of these eddies. If
वॉर्म और एडी, एडी क्या है, इट्स अ स्मॉल पॉकेट ऑफ वाटर जिसमें सेंटर में अगर वॉर्म वाटर है तो वॉर्म कोर एडी, सेंटर में कोल्ड वाटर तो कोल्ड कोर एडी. सो इफ दिस पॉकेट ऑफ वॉर्म कोर एडी ये चला गया हायर लैटिट्यूड की तरफ, तो एट फ्यू प्लेसेस इट विल ब्रिंग हॉट वाटर, वॉर्म वाटर, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर, सो इट विल डू सम चेंजेस. एंड टुवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड्स अगर कोल्ड कोर एडी आता है, इट विल ब्रिंग कोल्ड वाटर इन पॉकेट्स, सो इट विल ऑल्सो चेंज द हाइड्रोग्राफिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एरिया. समझ में आया? सो दिस इज आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट द मियांडरिंग ऑफ दीज ओशन करेंट्स. So what is the basic factor or cause for meandering? The friction caused by the colder waters. Okay? It causes the warm currents to meander. Unko seedhe nahi behne deti, ye usko meander karati hai. During meandering, the eddies are, eddies kya hai? Wo main current se nikla hua loop hai. Pockets of water. अगर उसके सेंटर में कोल्ड वाटर है उसका नाम होगा कोल्ड कोर एडी, सेंटर में वार्म वाटर है वार्म कोर एडी. और जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट, अब जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा रूम है, उधर में थोड़े थोड़े ऐसे पॉकेट्स डाले जिसमें बहुत गर्म पानी है, वार्म वाटर है, वहां का टेम्परेचर रिलेटिवली बढ़ा देगी, यहाँ का टेम्परेचर कम कर देगी, तो यहाँ पर कोल्ड वाटर है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज एडीज इट लोकली चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ एडी. ये भी हुआ. अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं. इन द मॉर्निंग आई वाज टेलिंग यू अबाउट द अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट. चेक दिस आउट. कैन यू सी अ कंटिन्यूअस करंट which is in circling Antarctica. This is the Antarctic circumpolar current. And as we had discussed in the morning, how this was generated, Antarctic circumpolar current, you can see that this is a cold current. This current does not allow the tropical warm water to cross it. As a result, Antarctica is thermally isolated. थर्मल आइसोलेशन ऑफ अंटार्क्टिका है. थर्मल आइसोलेशन का मतलब कि आपको, मैंने इस कमरे में रखा, कमरे को बंद कर दिया, बाहर से हीट नहीं आने दी, तो आपकी कमरा ठंडा हो जाएगा. उसी तरीके से अंटार्क्टिका इस इनसर्कल्ड, सराउंडेड बाय दिस कोल्ड करंट. अब कोल्ड करंट क्या है? हैवी है, ये वार्म और लाइटर वाटर को आने नहीं देगी, उसको रोक देगी, तो क्या होगा? टेम्परेचर इज परमानेंटली सब जीरो. ये समझ में आई बात? Okay. Any doubts till now? Let us now look at some other things. Let us look at the three oceans today. All right. And now, what I wanted to, since we are dealing with the surface flows, then, and let us look at the surface winds. Okay, tell me, winds ka wo band kar deta hu. Movement. Can you see these latitudes? Ye dikh raha hai sir. This is the equator. This is the equator also. Now, if you remember, I had told you that there are zones of convergence of winds and zones of divergence of winds. Okay? If I use another direction. Okay. This is better. This is the zone of convergence of trade winds. Like nahi? Convergence. So convergence कहाँ पर होगा? Where will the convergence of winds happen? If wind is going from this to this, where will be high pressure and where will be low pressure? Tell me. यहाँ पर क्या होगा? High pressure. और यहाँ पर? So one thing you all understand
that the winds will converge where there will be low pressure. Okay. Similarly, this is the zone of जैसे ये trade winds हैं और यहाँ पर ये westerlies जा रही हैं. So this is the zone of divergence. So this is the high pressure zone. Understood everybody? Now, when the wind belts diverge and when the wind belts converge, what will be the impact on the oceans? So, chief, try and think about it. When the winds they diverge and when the winds they converge, what is their impact on the oceans? This is the zone of convergence of trade winds. Okay? Just tell me, if these are trade winds, so how will they bring the current in which direction? Westward. So this is how the current will move or not, ocean current. होगा ना? Now tell me, if in northern hemisphere north equatorial current is moving this way and in southern hemisphere south equatorial current is moving towards this direction, what will be their deflection? In northern hemisphere towards pole. Okay, so they will deflect towards pole. What about southern hemisphere? They also will deflect towards poles. इधर होगा नहीं क्या सब? This will be the direction of their deflection. So जब ये currents एक दूसरे से दूर deflect होंगी, तो equator पे क्या होगा? See, remember high pressure. How it can be high pressure? Remember, this is all ocean. Ocean does not know कि ये south equatorial current है north equatorial current. वो तो हमने नाम दिया है. Ocean ने क्या देखा? कि the winds are converging, so the currents are coming this way. Due to Coriolis force, the currents will deflect. So will it cause empty space to be created at the equator or not? Yes, sir. Yes. तो क्या होगा? Upwelling. So remember that wind convergence. Wind convergence, it leads to ocean divergence. अब मैं इधर winds बना देता हूं. ये trade wind है, ये भी trade wind है. So they are converging, but they are causing the ocean currents to diverge. अब जैसे मान लीजिए you take water and you जैसे पानी बह रहा है, आपने दो तरफ से उसमें हवा फूंकी, मान लीजिए इधर से आपने हवा फूंकी, वाटर ऐसे डाइवर्ज करता है. Yes. If the winds are converging, they are bringing the ocean currents in their direction. So due to Coriolis force, the water will diverge away from each other. Or not. इसको समझ में नहीं आया बात? This is the wind direction and this is water. So it will cause water to go in this direction or not? Yes. If this is the wind direction, it will cause water to go in this direction or not? Yes. So ab wind ne kya kiya? It has set the water in motion. Now wind ka kaam khatam. Now Coriolis force will come into action. If water is moving towards this direction in northern hemisphere, iska deflection aisa hoga? Iska deflection aisa hoga, yani ये पूरा वाटर जो था, पूरा वाटर मास, इसमें कुछ पानी ऐसे चला गया, कुछ पानी ऐसे चला गया, बीच में खाली जगह बनेगी कि नहीं बनेगी? जब खाली जगह बनेगी तो नीचे का पानी ऊपर आएगा कि नहीं? दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल अपवेलिंग. क्या बोलते हैं इसे? तो अब आपसे अगर कोई पूछे
इक्वेटोरियल अपवेलिंग का रीजन क्या है? सो इक्वेटोरियल अपवेलिंग हैपेंस क्लोज टू इक्वेटर. इट इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस इन द ओशन कॉज्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ ग्रेट वेव्स. होगा कि नहीं होगा? अम्लान क्लियर हुआ? सौम्य एनीबडी एनी प्रॉब्लम? Let us look only for first northern hemisphere. These are the zones of trade winds, है ना? And this is the zone of westerlies. So we can see that the two wind beds are going away from each other. They are diverging. ठीक है? So what is happening over here? This wind will carry the water in this direction. इधर 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 आएगा कि नहीं? यस और नो? एंड दिस विंड विल ड्रैग इट हियर. ऐसा ये इधर ले जाएगा कि नहीं? द ट्रेड विंड इट विल सेट द वॉटर इन मोशन टुवर्ड्स वेस्ट साइड. जो ट्रेड विंड है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है वॉटर को किधर लेके जाएगी? वेस्ट की तरफ ले जाएगी. जो वेस्टर्ली है जो वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट जाती है वॉटर को ईस्ट की तरफ ले जाएगी. यस और नो? यानी द वॉटर डायरेक्शन इज उल्टा, इज रिवर्स, है ना? सो यहां तक क्लियर हो गया? अब विंड को थोड़ी देर भूल जाते हैं. सो एट दिस लैटिट्यूड वेयर वी आर गेटिंग द विंड डाइवर्जेंस, वहां पर क्या होगा? देखिए ये वाटर इधर आया, ये इधर आया. ओके, दिस इज कमिंग दिस वे, दिस इज गोइंग दिस वे. सो अगेन अप्लाई द कोरिओलिस इफेक्ट. राइट साइड, राइट साइड, और इसका राइट साइड इधर होगा कि नहीं? इधर देखिए राइट साइड, और ये अगर इधर जा रहा है तो इसका राइट साइड इधर होगा कि नहीं होगा? सो wind convergence, now wind divergence. Wind divergence, it causes ocean convergence. Why? Because of the Coriolis effect. So when the ocean water is converging, तो upwelling होगी या downwelling? Downwelling. Downwelling होगी ना? Clear हुआ? So, if a question is asked, what is the relationship between the zone of wind convergence and ocean upwelling? Pata sakte hain? That when the winds converge, they will cause the ocean to diverge. Ocean water will diverge, creating vacant space leading to the upwelling. Clear? Is it okay? All right. Then let us look for some more surface flows and surface phenomena. By the way, how do we measure how much water is being carried by an ocean current? Right? This was the example I was giving them. In the beginning, that if we have a bucket of 10 liters, it is filled with water, and we drain the entire 10 liters, we can know that the volume of water flowing is 10 liters, right? How mighty an ocean current is? A ocean current kitni badi ho sakti hai? Iska ek simple sa, jaise non-technical terms mein bole, ki collect the water of all the rivers of the world. जितनी भी बड़ी नदियां हैं वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नाइल, अमेज़न, साइन, जितनी भी नदियां हैं, ऑब रिवर, सबका वाटर को इकट्ठा कर लीजिए, मल्टीप्लाई दैट बाय 100, दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग कैरीड बाय वन करंट पर सेकंड. कुड यू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम ऑफ दिस
ओशन करंट कितना पानी ले जाती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम इज अ मेजर ओशन करंट, तो कितना पानी ले जा सकती है। वर्ल्ड के सारे रिवर्स को कलेक्ट करिए, उसका वाटर जो भी है उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए। एक ये कॉमन एग्जांपल जो किसी नॉन टेक्निकल आदमी को समझाए, बट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड वी शुड नाउ नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ एन ओशन करंट। ओशन करंट का स्पीड निकालने के लिए देयर इज अ यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज स्क्वायर ड्रॉप। सर बड़े बड़े जहाज तो नहीं जा सकता वो जो करंट है। इसको हम शॉर्ट में एसपी भी लिखते हैं। एसपी स्क्वायर ड्रॉप वाज अ साइंटिस्ट, उनके ऑनर में ये यूनिट दिया गया। वन स्क्वायर ड्रॉप, वन एसपी इज इक्वल टू 10^6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 10^6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, That is 1,000,000 meter cube water per second is being, that is the unit of speed of an ocean. So how do we calculate it? Let us calculate the water carrier, the speed of Gulf Stream. So how do we derive it? How do we calculate it? Let us assume that this is an ocean current. This is an ocean current, okay? Ocean current will have three characteristics. इसका एक width होगा, कितनी चौड़ी, जैसे नदी चौड़ी होती है या पतली होती है, इस तरीके से एक ocean current चौड़ी हो सकती है। It can be wide, it can be narrow. Ocean current may have velocity of water, मतलब how many meter per second is the velocity of water and what is the depth of flow? So, an ocean current may be quite deep. So, if I try to draw this diagram in 3D manner, so this is the depth of the ocean current. Some currents may be shallow, some can be deep. The major currents are quite deep. So we have three things. Let us say the width of Gulf Stream is 100 kilometers. Okay. The depth of flow is 1.5 kilometers. And the velocity of water in that is 1.5 meter per second. So we have this width, we have this depth, and we have the flow. So first of all, tell me what will be the cross section area of this current? Cross section area of the Gulf Stream will be, how will you calculate it? Multiply the width by depth of flow. Okay? So it will be 100 multiplied by 1.5 kilometers square. Or if we wish to convert it to meter square, it will be 10^6. Yes. So this would be 150 into 10^6 meter square. So meter mein kyun convert kiya? Because velocity is given in meter per second, we cannot multiply meter by kilometer. Now, what will be the total volume carried by this current? Volume is equal to cross section area multiplied by velocity. Kitna ho gaya? 150 into 1.5 into 10^6. It will be 15 into 15 is? 225 into 10^6 meter cube per second, or 225 SP.
the amount of water being carried by Gulf Stream, 225 million meter cube per second. So if you should remember this formula, so I can give any of these values and ask you to calculate either the swell or I can give you the SV values of two currents and ask them to compare which current is more wide, which current is flowing at a faster rate. Can you do that now? So this is 225 SV. If let us say one current has 100 SV, depth of 0.5 kilometers and a width of 50 or let us say width of 80 kilometers. Can you calculate the speed of that current, water flowing in depth? You can calculate. Okay. So, you should know that the unit of measurement of the water carried by a current is swell drum. Is it clear till here? समझ में आ रहा है ना? आगे चलें। ये आप लोगों ने देख के लिख लिया इसको। But due to Coriolis effect, जो थोड़ा सा right चला गया, talking about other hemisphere.
नीचे वाला थोड़ा सा और राइट चला गया, और राइट चला गया एस। सो व्हाट वी विल सी, वी विल सी स्पाइरल, स्पाइरल। दिस स्पाइरल इज कॉल्ड एज एग्मन स्पाइरल। नाउ कीप इट इन माइंड, सो इफ दिस इज द विंड डायरेक्शन एंड दिस इज द वॉटर सरफेस, water surface, so what will be the resultant direction of this movement? Average nikalna padega na, because on an average the Ekman spiral extends up to a depth of 300 meters depending on the wind strength, but 300 meters is quite a big distance, itna deep hai uske aage nahi ja pata koi. So if this is the wind direction, the net resultant of water movement will be perpendicular to the wind direction. This is the net movement. And then left hoga ki right hoga, it will depend on in which hemisphere this is there. Baat samajh aaya? Kyun Deepak? Samajh aaya? Ki agar wind is moving this way, it has brought the top layer of water into motion, the friction will bring all other layers into motion, but with depth slowly the surface of water will start to deflect due to Coriolis force. Sir, southern equatorial or northern equatorial mein auto moment ho jayega na, sir jo equatorial currents hai wo bilkul equator pe nahi chalti, aage mein aap dekhega thoda sa wo dur hai, agar wo bilkul equator pe hoga to there will be no deflection due to Coriolis force, zero hai, hai na. So the this question is also asked, what will be the net resultant deflection direction of water towards for a wind moving in the eastward direction? It will be towards equator in the northern hemisphere. This Ekman spiral is very important for several upwelling and downwelling phenomena happening in open ocean region. Okay, is it clear to everybody? All right. So Ekman spiral ho gaya. Now let us look at the geostrophic current, and uske baad I'll show you a video, a very interesting video, jo ki jitna bhi abhi tak hum logon ne padha hai wo experiment idhar hum log dekhenge. All right. Now let us look at the geostrophic current. Imagine that this is the direction of wind, and ये अपने सब water को इधर लेकर के आ रही है, but somehow or the other water जो है यहां पर एक pool बनाता चला है, a mound of water is created. वो कब होगा? जब water को obstruction होगा, either cold water से या फिर लैंडमास का साइड आ गया, तो वो भी वाटर को रोकेगा, है ना? दिस इज हाउ एक वाटर का छोटा सा माउंड बनता है. माउंड मतलब एक छोटा सा रिच जैसा स्ट्रक्चर, वाटर ऊपर उठता है, ठीक है? नाउ दिस इज द विंड डायरेक्शन एंड दिस इज माउंड ऑफ वाटर. माउंड द वॉटर ड्रॉपलेट्स और वॉटर मॉलिक्यूल्स जो भी आप कहिए, जो कि टॉप पे होंगे यहां पर, वो क्या वहां रुकेगा? इट विल स्टार्ट टू कम डाउन और नॉट? नीचे आएगा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ऐसे आएगा, ठीक है? जब ये वॉटर यहां से नीचे की तरफ बहकर के आएगा तो कोरियोलिस फोर्स इसको किधर घुमाएगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर में को इधर घुमा देगा, इधर घुमा देगा, इधर घुमा देगा, इधर घुमा देगा, है कि नहीं? So there are two forces acting, the gravitational pull and the Coriolis force, or the pressure gradient and Coriolis deflection. This process will keep on happening continuously. A time will come when the gravitational pull and Coriolis deflection
they will develop a synchronicity, the equilibrium balance will happen. So instead of going down, the water will start to encircle the whole mound. मतलब नीचे जाने की बजाय वो वाटर ऐसे करके ऐसे घूमने लगेगा चारों तरफ. A horizontal motion is set in, circular motion. क्या हुआ? जो वाटर यहाँ पर था वो नीचे आ रहा था, वो रिवर्स को से घुमा दिया. Ultimately क्या हुआ? It will start to encircle that mound. Such a current is called as geostorm. ठीक है? फिर वो नीचे भी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, इधर यहां से लेके यहां तक. क्योंकि अगर आप वाटर को सरफेस से उठाएं तो वाटर नीचे गिरेगा ना ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और कोरियोस इफेक्ट से उसको घुमा देगा. सो नीचे कोरियोस इफेक्ट कैसे काम करेगा? कहां नीचे कर रहा है वो, जो वाटर ऐसे जा रहा है उसको ऐसे करना है, वाटर ऐसे आ रहा है उसको ऐसे घुमा दी. कंटीन्यूअसली दिस इज हैपनिंग. ओ ये स्टार्ट टू दिस इज वाटर माउंट क्या? हां वाटर माउंट. वाटर माउंट मतलब कहीं पर पानी जमा होता है. जब भी पानी कहीं पर जमा होता है, इकट्ठा होता है, तो पानी का सरफेस ऐसा होता है या ऐसा होता है, बताओ. इफ आई वांट, इफ आई एम कंटीन्यूअसली पंपिंग वाटर टुवर्ड्स दिस वॉल, और पानी यहाँ पर जमा होगा, तो पानी का सरफेस ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा? ऊपर उठेगा ना. इट्स कॉल्ड एज अ माउंट ऑफ वाटर. ओशन में यह फिनोमेना कई बार, मान लीजिए लैंड मास वाटर को रोक रहा है या फिर डेंसर वाटर्स को फ्रिक्शन कर रहा, तो वो ऊपर ऊपर चला जा रहा है, तो ऐसे करो उसमें फिर कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है. दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सरफेस जियोस्ट्रोफिक. जियोस्ट्रोफिक विंड्स के बारे में सुना है? प्रॉपर्ली व्हाट इज जियोस्ट्रोफिक विंड? हॉरिजॉन्टल मोशन, वो हायर एटमॉस्फेयर में वो पूरे अर्थ का से गोल गोल चक्कर काटती है. जियोस्ट्रोफिक विंड्स, तो जियोस्ट्रोफिक करंट उस माउंट को इट विल स्टार्ट टू एनसर्कल इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर. Is it okay? Clear हो गया यहाँ तक? All right. So now let us look at that video which I was talking about. I am going to show you a video of ocean in a tank. The oceanic phenomena. अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है आज तक वो सब का टेस्ट है आज. आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस आल्सो इन बिटवीन. एंड Most people would guess
मतलब ये वाटर ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि इस लेयर की सैलिनिटी इससे कम है। दिस लेयर हैज गॉट सैलिनिटी लोअर देन इट, दिस लेयर इट मींस दैट द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज लोअर देन दिस लेयर एंड सिंस दिस लेयर इज गोइंग ओनली इन द मिडिल द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज लोअर देन बॉटम लेयर, बॉटम लेयर इंटरमीडिएट है,
और तीसरा इसका salinity सबसे ज्यादा है। तो पहले क्या हुआ था कि सिर्फ दो टाइप के वाटर मास थे, एक जिसका salinity कम है फिर सडनली बढ़ गया, लेकिन अभी क्या हुआ कि जो तीसरा वाटर मास है उसकी salinity इस वाटर मास से ज्यादा है और इस वाटर मास से कम है। तो ये जो यहां पर आया ठीक है।
फिर से प्ले करो थोड़ा पीछे से।